कलश यात्रा के साथ मानस भवन में 7 दिवसीय श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें कि सामूहिक सुंदरकांड के पाठ एवं कलश यात्रा के साथ मानस भवन में 7 दिवसीय श्री राम कथा की शुरुआत हो गई है। मानस मंडल द्वारा जन कल्याण के लिए आयोजित कथा का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह एवं कथावाचक आचार्य भोले शंकर ने श्री राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कथा 30 मई तक चलेगी एवं 31 मई को समापन व भंडारा आयोजित होगा। इसके पहले सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मानस भवन से कोठी कंपाउंड शिव मंदिर जय रामदास मंदिर होकर वापस कथा स्थल मानस भवन में पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में सिर पर कलश लेकर महिलाएं शामिल हुईं, जिसके बाद शाम 4 बजे से सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया गया। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दरबार के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया एवं रामायण की आरती की गई। इस अवसर पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश ए.के. सिंह ने कहा कि रामकथा गंगा के समान पवित्र है, रामकथा संसार सागर से पार करने वाली है। वहीं रामकथा प्रारंभ करते हुए भोले शंकर महाराज ने बताया कि हनुमान सर्वप्रथम गोस्वामी को प्राप्त होते हैं और उनके बाद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद तुलसीदास ने रामकथा लिखना प्रारंभ किया। मानस विदुषी ज्ञानवती अवस्थी ने आयोजन की प्रशंसा की। वहीं मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष पांडे ने संतों का स्वागत किया। संचालन सचिव शिव शंकर दीक्षित ने किया। मौके पर उपाध्यक्ष पीयूष त्रिवेदी, अवधेश श्रीवास्तव, पवन तिवारी, दीपक तिवारी, विक्रम सिंह, विमलेश मिश्रा आदि भक्त शामिल रहे। हम लोग कोई भी कार्यक्रम सुंदर कांड अगर न हो लगता कुछ हुआ नहीं। परम आदरणीय जब साहब संयोग है, परसों हमने फोन किया कि सर आप कहाँ हैं, तो आपने कहा मैं निकल गया हूँ। हमने कहा 24 को तो निकल गया, आप निश्चित रूप से रहिए। बोले हाँ है, वो अच्छा जा रहा था, कई लोग आए जो अच्छा गए, लेकिन साहब ने जो
व्यास जी लोग रहते हैं या कथा वाचक जी लोग रहते हैं।